Hey guys, it's Sirishwa here and today let's talk about a new topic, that is our hurt. It's really very important as a, we can talk about a class 10th, so it's really very important. Okay, so let's start our video without wasting any time. ओके सो हमारा जो टॉपिक है हर्ट, हर्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट आज अपन इसको ईज होती है. चलो ठीक है, अपन बात करते हैं हर्ट की. हर्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंपिंग ऑर्गन है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं. अब ये पंपिंग ऑर्गन है तो ये करता क्या है? हमने मोटर देखी है, मोटर जैसे ऑक्सीजन मतलब अपने पानी को ऊपर चढ़ाती है, बिल्कुल वैसे ही ब्लड भी होता है, मतलब हर्ट करता है. ठीक है, तो हर्ट एक पंपिंग ऑर्गन है. ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल्स से बना है. इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स भी कहलाता है. ठीक है, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स से बना हुआ है तो मतलब इनवॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन हो गया. ये कार्डियक मसल से बना है. ओके, ये हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, ये भी हमने बचपन से सुना है. पर ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है. इट मींस हमारे लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड लंग. एंड ये मुट्ठी के बराबर बड़ा होता है, ये भी हमने सुना है. ओके, तो ये पंपिंग ऑर्गन होता है. जब चलो अपन हर्ट के पास चलते हैं, हर्ट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है हर्ट एक्चुअली में. तो यार जो हमारा हर्ट होता है ना, ये इसके ऊपर एक लेयर होती है, एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक लाइक पॉलीथिन देखा है आपने, बिल्कुल वैसी थैली लाइक का स्ट्रक्चर इसके ऊपर होता है. वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी, जो होती है पेरिकार्डियम. चलो पेरिकार्डियम को अगर अपन खोल के देखेंगे तो हमें रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो हमारा हर्ट होता है. ठीक है, तो अब हम वेन्स के बारे में बात करते हैं, आर्टरीज के बारे में बात करते हैं. वेन्स जो होती हैं वो टूवर्ड्स ही हर्ट होती है, मतलब हर्ट है. ओके, ये मेरा हर्ट है, फिस्ट की साइज का ही होता है, तो हमारा हर्ट है थोड़ा सा टिल्टेड है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वेन्स आ रही है, मतलब हर्ट के पास आ रही है, तो वो जो ब्लड वेसल जो हर्ट के पास आए उसको वेन बोलते हैं, और वो ब्लड वेसल जो हर्ट से दूर जाए उसको हम आर्टरीज बोलते हैं. ओके, अब वेन्स और आर्टरीज यार सुना सुना सा लग रहा है, पर वेन्स और आर्टरीज होता क्या है ये हम नहीं जानते. तो वेन्स जो होती है ना वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, मतलब हमारा वेस्टेज गंदा ब्लड जो होता है वो लेके जाती है. एज हम बोलते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है या पॉजिटिविटी आ गई है, तो हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिविटी का एग्जाम्पल लेंगे. तो जो हमारे हर्ट है, हर्ट के पास नेगेटिविटी कौन लेके जा रही है, वेन लेके जा रही है ना. और पॉजिटिविटी हर्ट से, मतलब हर्ट उसको पॉजिटिव कर रहा है, एंड उसके बाद हर्ट से पॉजिटिविटी कहाँ जा रही है, ऑर्गन्स के पास जा रही है. बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जो वेन्स होती हैं वो गंदा ब्लड जो होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, उसको हर्ट के पास लेके जाती है, एंड जो हर्ट है उस ब्लड को ले लेता है. ठीक है, पंप करता है, क्योंकि ब्लड क्या है, पंपिंग ऑर्गन, ऐसे 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 पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, रिलैक्स होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, रिलैक्स होएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें चलता रहता है. अब हमने बीपी की मशीन में भी देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वहाँ पे भी चलता है. 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर आता है ना. ठीक है, तो जो 120 होता है ना वो तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है. एंड रिलैक्सेशन डाइस्टोलिक प्रेशर, मतलब 80 वाला जो होता है वो डाइस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब नीचे वाला. एंड ऊपर वाला जो होता है 120 वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है. ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डाइस्टोल मतलब रिलैक्स. तो हर्ट में भी यही सिस्टम चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सिस्टोलिक डाइस्टोलिक. ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने लिया स्पॉन्ज, हम लेते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स एज गर्ल्स नो दैट. तो हमने स्पॉन्ज लिया, हम जानते हैं क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि स्पॉन्ज में बहुत सारे होल्स होते हैं, तो जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे तो उसमें वाटर वैसे ही फिल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा. तो मैंने क्या किया, उस स्पॉन्ज को निकाला, पानी में डाला, पानी से निकाला, मेरे को थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा था क्योंकि उसमें पानी फिल हो चुका है उसके होल्स में. ठीक है, अब जैसे ही मैंने उस स्पॉन्ज को लिया, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर लगाया. जब मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वाटर बाहर निकला, निकलेगा ना. तो जैसे ही बाहर निकला तो वो मतलब फुल प्रेशर के साथ निकला है. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे हर्ट में जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है आता है, लो प्रेशर के साथ आता है, तो उसमें क्या होता है, वो ब्लड हर्ट में जाके पंप होता है, पंप होगा, पंप होगा, पंप होगा,
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, हार्ट अचानक से दबेगा और उसमें फुल प्रेशर के साथ आर्टरी से ब्लड बाहर जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी उस ब्लड को ऑर्गन के पास ले जाएगी एंड वो जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पर वो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता यार, मतलब कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल उसमें होता है, जैसे एमिनो एसिड्स हो गए तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल उसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो भी प्योर मैटर हो गया, मतलब पूरा नहीं, उसमें भी थोड़ा वेस्ट मटेरियल होता है, पर हाँ उनको उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय।